हे गाइस, कैसे आप लोग। तो आज हम इन चारों स्मार्टफोन का गेमिंग टेस्ट करेंगे, BGMI खेलेंगे डिफरेंट सेटिंग्स के साथ, जियो 5G सिम लगाकर देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन कितने घंटे चलता है। तो गाइस, अपने पास है गूगल पिक्सल 8, मोटो H50 नियो, आईक्यू Z9S एंड रियलमी 13 प्रो। पिक्सल 8 में लगाया गूगल का टेंसर G3 चिपसेट, मोटो H50 नियो एंड आईक्यू Z9S को पावर दिया है मीडियाटेक डेमेंसिटी 7300 चिपसेट ने एंड रियलमी 13 प्रो को स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। चारों स्मार्टफोन 8GB रैम वेरिएंट है। चारों स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 14 बेस्ड OS रन कर रहा है और सॉफ्टवेयर सबका अप टू डेट है और सिक्योरिटी पैच चारों में है सितंबर का। चारों स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले लगा है, लेकिन गूगल पिक्सल 8 और मोटो H50 नियो का डिस्प्ले थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। रेजोल्यूशन मोटो H50 नियो में मिल रहा है 1.5K, बाकी तीनों में फुल HD+। नाउ बैटरी, दोनों स्मॉलर डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन का बैटरी का साइज भी थोड़ा सा छोटा है। गूगल पिक्सल 8 में मिल रहा है 4575 mAh का बैटरी, मोटो H50 नियो में 4310 mAh, आईक्यू Z9S में 5500 mAh और Realme 13 Pro में 5200 mAh। बैटरी चारों स्मार्टफोन का फुल है, रिफ्रेश रेट चारों का ऑटो पे सेट है एंड चारों स्मार्टफोन से मैंने सारे एप्स को क्लोज कर दिया है। जियो 5G सिम लगा है चारों स्मार्टफोन में, नो वाईफाई, वॉल्यूम सबका 75% के आसपास सेट है और ब्राइटनेस रहेगा सबका एकदम फुल मैक्सिमम। तो गाइस, आज के बैटरी ड्रेन टेस्ट में हम ओनली गेमिंग करेंगे, BGMI खेलेंगे डिफरेंट सेटिंग्स के साथ 6 घंटे, मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड जियो 5G सिम लगाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में बता दूं, स्मूथ के साथ एक्सट्रीम मिल जाएगा चारों स्मार्टफोन में, बैलेंस्ड के साथ एक्सट्रीम मिलेगा पिक्सल 8 और रियलमी 13 प्रो में, मोटो और आईक्यू में अल्ट्रा मिलेगा, HD और HDR के साथ भी एक्सट्रीम मिल जाएगा पिक्सल और रियलमी में, मोटो और आईक्यू में अल्ट्रा मिलेगा। ओके, गेमिंग स्टार्ट करते हैं हम स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे 1 घंटे के लिए। बहुत सारा स्मार्टफोन ऐसा होता है ना जो पहला 1% यानी 100 से 99 आने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है, 15-20 मिनट 25 मिनट तक ले लेता है। पहले घंटे में स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे बैटरी चेक करेंगे चारों स्मार्टफोन का, किसने कितना बैटरी ड्रेन किया है, फिर सेम सेटिंग्स पे 2 घंटे और गेमिंग करेंगे सेम सेटिंग्स पे। गाइस, याद दिला दूं, जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था तो चारों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर 32-33 डिग्री के आसपास था। एक घंटा हो गया, चलिए बैटरी चेक करते हैं। गूगल पिक्सल 8 4575 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन 84 पे दिख रहा है 16% बैटरी इसने ड्रेन किया है 732 mAh। 4310 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन मोटो ने 12% बैटरी ड्रेन किया है 88 पे दिख रहा है 517 mAh एंड 5500 mAh बैटरी वाला आईक्यू Z9S 88 पे दिख रहा है इसने 12% बैटरी ड्रेन किया 660 mAh एंड 5200 mAh बैटरी वाला रियलमी 13 प्रो 87 पे दिख रहा है 13% बैटरी इसने ड्रेन किया 676 mAh। अब गाइस, हम सेम सेटिंग्स पे यानी स्मूथ एक्सट्रीम पे 2 घंटे और गेमिंग करेंगे। गाइस, अगर आपको ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखने में मजा आता है एंड फ्यूचर में भी आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो नोटिफिकेशन के लिए। प्राइस के हिसाब से आप गेमिंग के लिए आईक्यू Z9S, मोटो H50 नियो या फिर रियलमी 13 प्रो भी ले सकते हो, बट गूगल पिक्सल 8 वर्थ नहीं लगा मुझे। हाँ, फ्लैगशिप फोन है, प्रीमियम एक्सपीरियंस, क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड मिल रहा है एंड 35,000 रुपए में जो इसका कैमरा है ये एकदम टोटली पैसा वसूल लगा मुझे। बट अगेन, बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस में बड़ा एवरेज सा लगा। तो स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे 2 घंटे हमने और गेमिंग कर लिया, टोटल 3 घंटा हो चुका है। 3 घंटे के बाद गूगल पिक्सल 8 दिख रहा है 43 पे, 84 पे था 41% बैटरी इसने ड्रेन किया 1875 mAh, मोटो H50 न्यू 88 पे था 55 पे दिख रहा है 33% बैटरी इसने इस 2 घंटे में ड्रेन किया 1422 mAh, आईक्यू Z9S 88 पे था 59 पे दिख रहा है इसने 2 घंटे में 29% बैटरी ड्रेन किया 1595 mAh एंड रियलमी 13 प्रो 87 पे था 60 पे दिख रहा है 27% बैटरी इसने ड्रेन किया 1404 mAh, मोर और लेस सेम। पहले घंटे से अगर इस 2 घंटे का एवरेज निकालो तो गूगल पिक्सल 8, मोटो H50 नियो और आईक्यू Z9S ने पहले से ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया है एवरेज के हिसाब से, बट रियलमी 13 प्रो ने मोर और लेस सेम। अब गाइस, सेटिंग्स हम चेंज करेंगे, अब हम HD अल्ट्रा पे 2 घंटे गेमिंग करेंगे। आप बस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना और वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना।
तो गाइस 2 घंटा हमने एच डी अल्ट्रा पे भी गेमिंग कर लिया, टोटल 5 घंटा हो चुका है। एंड 5 घंटे के बाद गूगल पिक्सल 8 दिख रहा है 2 पे। 43% बैटरी इसने इस 2 घंटे में ड्रेन किया है 1876 mAh। मोटो एच 50 नियो 55 पे था, 23 पे दिख रहा है इसने 32% बैटरी ड्रेन किया इस 2 घंटे में 1380 mAh। आईक्यू Z9S 59 पे था, 33 पे दिख रहा है 26% बैटरी इसने इस 2 घंटे में ड्रेन किया 1430 mAh। एंड रियलमी 13 प्रो 60 पे था, 32 पे दिख रहा है 28% बैटरी इसने ड्रेन किया 1456 mAh। गाइस एक और घंटे हम गेमिंग कर सकते हैं, उसके बाद गेमिंग स्टॉप हो जाएगा, यानी 6 घंटे हम मैक्सिमम गेमिंग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे, एक और घंटे गेमिंग करते हैं। तो गाइस गूगल पिक्सल 8 4310 mAh बैटरी वाले मोटो एच 50 नियो से कम चला, 5 घंटे 2 मिनट में खत्म। एंड गाइस का जो 2% बचा हुआ था ओनली 2 मिनट चला। गाइस ऐसे वीडियोस के शूटिंग में टाइम तो लगता ही, साथ में एफर्ट भी थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, एक साथ इतने फोन में गेमिंग करना, फिर ये देखना कि कौन सा फोन डेड होने वाला है, फिर गाइस ऐसे वीडियोस के एडिटिंग में भी थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, डेटा वगैरह। नाउ पॉइंट ये कि वीडियो आपको पसंद आना चाहिए, हेल्पफुल लगना चाहिए, तो अगर ऐसा हुआ तो इसको प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो के लिए भी और चैनल के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस 6 घंटा हो गया, अब हमको यहाँ पे गेम स्टॉप करना पड़ेगा। मोटो एच 50 नियो 4310 mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन में 6 घंटे गेमिंग करने के बाद 3% बैटरी बचा है, इस घंटे इसने 20% बैटरी ड्रेन कर दिया है 862 mAh, इनमें थोड़ा ज्यादा बैटरी ड्रेन हो गया। 5500 mAh बैटरी वाले आईक्यू में हमने 6 घंटे गेमिंग कर लिया है, अभी भी इसमें 21% बैटरी बचा हुआ है। एंड गाइस रियलमी 13 प्रो 5200 mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन में 6 घंटे गेमिंग करने के बाद 16% बैटरी बचा हुआ है। अब चले कैजुअल गेमिंग कर लेते हैं, सबवे सर्फ खेल लेते हैं जब तक ये सारा फोन डेड ना हो जाए। तो 4310 mAh बैटरी वाला मोटो एच 50 न्यू 6 घंटे 19 मिनट में खत्म, 3% बैटरी इसमें बचा हुआ था, 19 मिनट चला ये सबवे सर्फ के साथ। गूगल पिक्सल 8 में हमने 5 घंटा गेमिंग किया और मोटो एच 50 न्यू में 6 घंटा। BGMI बैटरी वाला Realme 13 Pro 7.5 घंटे चला, 7 घंटे 31 मिनट में खत्म, 16% बैटरी इसमें बचा हुआ था 832 mAh, जो 1 घंटे 31 मिनट चला एंड में। वाओ, तो गाइस गेमिंग के साथ भी आईक्यू Z9S 8 घंटे चल गया, वैसे 6 घंटे हमने इसमें BGMI खेला है ओनली। फाइनली 5500 mAh बैटरी वाला आईक्यू Z9S 8 घंटे 47 मिनट में डेड, 21% बैटरी इसमें बचा हुआ था 1155 mAh, जो 2 घंटे 47 मिनट चला एंड में। मोटो एंड आईक्यू को अगर कंपेयर करूँ, दोनों स्मार्टफोन में सेम चिपसेट लगा है, यानी आपको ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग में। नाउ अगर गेमिंग के लिए आप फोन लेना चाहते हो तो आईक्यू Z9S में 6 घंटे गेमिंग करने के बाद भी 20% बैटरी बचा रहेगा, जबकि मोटो खत्म हो जाएगा। Realme 13 Pro ऑलवेज बढ़िया बैटरी बैकअप देता है, ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में इसने अच्छा किया है, बट आईक्यू Z9S से ये कम चलेगा। चाहे आप मल्टीमीडिया यूज करो या फिर गेमिंग करो, आईक्यू Z9S में आपको बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा मिलेगा Realme 13 Pro से ओवरऑल। तो गाइस ये था इन चारों स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट गेमिंग के साथ। वीडियो अगर पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए iPhone Unbox।